आजकल सोशल मीडिया पर पहले दोस्ती और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल जाना आम बात हो गई है, लेकिन सोशल मीडिया वाला ये प्यार कितना समय चलेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। यूपी के बुलंदशहर से एक ऐसी ही फेसबुक पर शुरू हुई लव स्टोरी सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। निकाह की ये तस्वीर बुलंदशहर के महिला थाने की है, जहाँ मौलवी प्रेमी और प्रेमिका को निकाह पढ़ा रहे हैं। दरअसल 2 साल पहले हिना और शहबाज की फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। बात बढ़ी तो दोनों ने फोन पर बात के साथ साथ मिलना जुलना भी शुरू कर दिया जी। और हम खुश हैं और इनकी फैमिली से कोई भी मतलब नहीं है। एक दूसरे की आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? फेसबुक के जरिए से जी। तो शादी तक पहुंच चुके हैं बात। हाँ। देखते ही देखते हिना और शादाब की मुलाकात मोहब्बत में तब्दील हो गई, लेकिन हिना और शादाब की मोहब्बत में उस वक्त दरार पड़ गई जब शादाब ने हिना के निकाह के प्रपोजल को ठुकरा दिया। इससे दुखी होकर हिना ने एसएसपी बुलंदशहर संतोष कुमार सिंह से बेवफाई की शिकायत। ठीक है, जैसा भी हुआ है, बाकी अब ये हम साथ में रहेंगे, हमारी फैमिली वालों का कोई मतलब नहीं हमसे जी, और ना ही वो हमसे रखना चाहते मतलब। ठीक है, जो हमने करा है वो हम अपने साथ में रहेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिसके बाद आज महिला थाना अध्यक्ष ने हिना और शादाब को थाने में बुलवाया और दोनों को समझा कर निकाह के लिए कन्विंस किया। दोनों के रजामंद होने के बाद थाने में मौलवी को बुलाया गया। मौलवी ने मुस्लिम रीति रिवाज के साथ शादाब और हिना का निकाह कराया। निकाह में थाने के स्टाफ ने घराती और बराती की भूमिका निभाई और दूल्हा दुल्हन को निकाह की मुबारकबाद भी दी। पर मजमाए आम के सामने 3.5 तोले चांदी मेहर मुकर्रर करके हिना बेगम को मैं आपके निकाह में देता हूँ, क्या आपने उसको कबूल किया? हाँ जी किया। नहीं, हाँ जी मैंने उसको कबूल किया। हाँ जी मैंने उसको कबूल किया। चलो जी ठीक है। ऐसा है, हिना बेगम नाम की कप्तान साहब के यहाँ एक प्रार्थना पत्र दिया था कि मेरा सादा लड़का गुलाबटी का रहने वाला है। इसने ये कहा था, लड़की कानपुर की रहने वाली, लड़का गुलाबटी का रहने वाला है। तो इसमें हिना ने ये कहा था कि साहब मेरे साथ कानपुर में रहकर और दिल्ली में रहकर प्रेम प्रसंग करा, उसके बाद में अब मेरे से शादी नहीं करना चाह रहा, मगर दोनों का सुलह समझौता होने के बाद में अब दोनों के निकाह हो चुका है। इसमें दोनों को कोई ऐतराज नहीं है, सब सुख शांति से रहेंगे। इनका संपर्क एक दूसरे का कैसे हुआ था? इनका फेसबुक के द्वारा हुआ था, माध्यम से मोबाइल के द्वारा फेसबुक में चलाया था, उसके माध्यम से इनका संपर्क हुआ था। इसके वजह से अब दोनों का समझौता हो चुका है और दोनों का निकाह करा दिया गया है।